हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और आज हम लोग साथ में जा रहे हैं। आपने टाइटल से ही देख लिया होगा, डैडी ऑन ड्यूटी ड्राइविंग। एंड आपने टाइटल से ही देख लिया होगा कि आज हमारी हेजल बेबी का फोटोशूट है। तो ये आज 15 दिन की हुई है और बेबी शूट करवाना होता है तो 25 दिनों से पहले ही करवाना होता है, तब भी वो वाला शूट हो पाता है। अदरवाइज उसके बाद भी करवा सकते हैं, बट बेबी इतने सोते नहीं है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं एंड मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना स्ट्रगल होता है या फिर ये काम रहती है या नहीं रहती है। हमको भी नहीं पता है, हमारा भी न्यू एक्सपीरियंस है। अभी सो रही है, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड हियर वी गो। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया शूट, उसको मालिश किया था और नहलाया था, इसलिए वो बहुत ही शांति से सो रही थी। बट वैसे जिसे ही उसको टच करते हैं ना, तो उसको कुछ ना कुछ होता है, उसको सब कुछ देखना होता है। देन सी स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर उसको काम डाउन करने में थोड़ा टाइम गया। वैसे भी बेबी शूट में ऐसा होता है, टाइमिंग का कोई भी फिक्स नहीं रहता है। 20 minutes later. वहाँ पे बेबी स्लीपिंग म्यूजिक भी चल रहा था और सूसर भी चला रख के रखा था ताकि बेबी एकदम काम डाउन होके सो पाए तो अच्छे से शूट होगा। फिर उसको उसमें बास्केट में सुलाया और लकीली हमारे मोस्ट ऑफ द आउटफिट में उसने स्माइल दिया है। इसके बाद के क्लिप में आपको देखने को मिलेगा। उसका आउटफिट चेंज हुआ, बट वो जब स्वाडल नहीं होती है तब हाथ पर बहुत ही हिलाती है। वैसे ही उसको काम डाउन करते गए और शूट करते गए, उसमें बीच में उसने पॉटी कर लिया तो उसको भूख भी लग गया तो उसने खाना खाया, फिर पॉटी साफ करके अगेन उसको तैयारी किया और दूसरे हमने सेटअप में उसका फ़ोटोशूट किया और इसमें भी उसने बहुत ही सुंदर स्माइल दी थी। में रेस्ट टाइम था, जब तक दूसरा सेटअप हो रहा था तब तक मैंने उसको ले लिया था और बस ऐसे ही उसको स्विंग वाला फील दे रही थी ताकि वो सोए अच्छे से। इस बिहाइंड द सीन इतना सब कुछ होता है और इतनी मेहनत लगती है ना इनके फ़ोटोशूट में, बिकॉज उनको काम डाउन करना और मतलब जो हमको लुक चाहिए वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। फोटोग्राफर्स को इतना अच्छा आइडिया रहता है ना कि उनको कैसे सुलाना है। इतने अच्छे से उसको सुलाया था और सेम आउटफिट इसलिए रखा था बिकॉज उसके ऊपर उसका ब्लैंकेट आने वाला था, तो इसलिए आउटफिट चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ थर्ड सेटअप और इसमें भी उसने बहुत ही सुंदर स्माइल और एक्सप्रेशंस दिए थे। माय गॉड, मेरा गोल गप्पू। आप लोगों को ये वाला फ़ोटोशूट में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मेरे गप्पू के पापा उससे इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि वो बस वेट कर रहे हैं कि कभी ये बड़ी होगी और मैं उसको एकदम हग करके ऐसे पिचल दूँ। बस अभी भी वो कभी कभी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको बहुत प्यार आता है। एक्चुअली होल फोटोशूट में उसने दो बार पॉटी कर ली थी, दो बार जग गई थी। एक्चुअली बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, मेरे से ट्राई हुई है, उतनी मैंने शूट करने की ट्राई की है
क्योंकि हर बार मतलब शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, पर जितना हो सका उतना मैंने किया है। बॉस बेबी का सेटअप भी रेडी हो चुका है, बस अभी उसको बिठाएंगे। बहुत ही अच्छे से मेरा गप्पू बैठा हुआ है और बहुत सारा सपोर्ट होता है नीचे। प्लीज़ घर पे आप ये सब ट्राई मत करना, क्योंकि उनको सब आइडिया रहता है, तो बहुत अच्छे से वो लोग बिठाते हैं और सपोर्ट देते हैं। बेबी को ऐसे बिठाना चाहिए कि उसको काम डाउन करके आप उसको सुला सको, कि बेबी इस समय पे बहुत ही वॉबली होता है और उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फोटोग्राफर ने बहुत सारे बेबीज़ के साथ डील किया होता है। एंड हियर वी आर विथ अ न्यू सेटअप, ये लास्ट सेटअप है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और एक भी सेटअप बाकी है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। हमने फैमिली फ़ोटोज़ लिए, मेरे साथ सिंगल लिया, धीर के साथ सिंगल, और हमारे तीनों का लिया। आपको वो इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे यू नो यूट्यूब शॉर्ट्स में देखने को मिल ही जाएगा। सो फाइनली हमारा फ़ोटोशूट हो गया है, उसको तो एकदम अच्छे से सिला दिया था, और आपने सब BTS वगैरह हम देखे ही होंगे, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने डाली है। वो बस अभी मैंने उसको फीड करवाया और अभी उसको बर्प करवा रही हूँ। हम घर पहुँचने ही वाले हैं, मैंने सोचा घर पहुँचते पहुँचते ही आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, तो सच्चा है कि उसको कार में ही करवा लेती हूँ, तब तक वो भूख ही ना हो जाए इसलिए। सो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला छोटा सा व्लॉग, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फाइनल वाले पिक्चर्स हम अभी डालेंगे या फिर इंस्टाग्राम पर डालेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। So yeah, stay tuned for that. अरे आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, इसके रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।